हॉस्पिटल के खिलाफ खबर चलाना पत्रकार को पड़ा भारी। हॉस्पिटल संचालक ने पत्रकार पर लगाया चौथ वसूली का आरोप। पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए पत्रकार पर चौथ वसूली का लिखा मुकदमा। तन मन धन से लोगों की मदद को आगे रहने वाले पत्रकार गौरव बंसल को बनाया गया निशाना। मुकदमा लिखने पर पुलिस भी सवालों के घेरे में बिना सोर्स लगाए। जहां पुलिस सच्ची घटना पर नहीं लिखती मुकदमा, तो इस मामले में बिना जांच और बिना साक्ष्य के कैसे लिखा गया मुकदमा। पत्रकार पर मुकदमा लिखने से पत्रकार एसोसिएशन ने जताई नाराजगी। पत्रकार एसोसिएशन ने एडीजी राजीव कृष्ण से मुलाकात कर बताया पूरा प्रकरण। एडीजी ने मामले पर जांच कर कार्यवाही का दिया भरोसा। आगरा से राशिद हुसैन की रिपोर्ट। जैन साहब, आप पत्रकारों के वरिष्ठ हैं, एक पत्रकार के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कहना है आपका? हाँ, मेरी जानकारी में आया है जो अपनी पत्रकार एसोसिएशन है उसके महासचिव गौरव अग्रवाल, उनके खिलाफ मतलब चौथ मांगने का एक मुकदमा दर्ज हुआ जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें कोई शक नहीं है कि अस्पताल वाले जो कमरा 5,000 का मिलना चाहिए वो 13,000 रुपये का दे रहे हैं। डॉक्टर एक बार विजिट करने आता है, 3 विजिट की उसकी फीस वसूलते हैं, मतलब 25 गवर्नमेंट ने भी रेट तय कर दिए हैं, उसके बाद भी 1,00,000 रुपये पर डे ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्या इलाज हो रहा है कि जो डॉक्टर्स गरीब मरीज हो या कैसा भी मरीज हो उससे 1,00,000 रुपये पर डे ले रहे हैं? आज एडीजी साहब क्या पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, आगरा में हॉस्पिटलों के द्वारा खुली लूट की जा रही है, खुली डकैती डाली जा रही है, और जो आगरा की आम जनता है उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है जिसका जवाब नहीं है। इसको लेकर के लगातार आगरा के पत्रकार मुखर हैं, और जितनी भी आम जनता को राहत मिल रही है उसमें आगरा के पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है। एक एक पत्रकार जिस तरह से भारतीय सैनिक सेना पे बिल्कुल जमीन पे लगा हुआ है, ऐसे ही आगरा में एक एक पत्रकार जमीन पे लगा हुआ है। इस संबंध में हम भी लगातार समाचार प्रकाशित कर रहे हैं। विगत दिनों में मैंने एक समाचार प्रकाशित किया कमला नगर के बीएम हॉस्पिटल के खिलाफ, और उसके बाद एक कोई पंकज अग्रवाल नाम का शख्स है जो कोई साई मेडिकल करके एक अपना हॉस्पिटल चलाता है, और बताते हैं नॉन मेडिकल व्यक्ति है जो तमाम तरह के काले कारोबार भी उस हॉस्पिटल की आड़ में करता है।